आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज, ये वाला टिश्यूज नहीं, ये वाला टिश्यूज। हाय, मेरा नाम है मारिया फ्रेंचोइस क्षवियर बिचत। हेलो, मेरा नाम है मार्सेलो मल्फी जी, मुझे फाउंडर ऑफ। आज का जो टॉपिक है वो है टिश्यूज। आखिर टिश्यूज होता क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। आज टिश्यूज वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हिस्टोज। हिस्टोज मतलब होता है टिश्यूज। और ये है क्या टिश्यूज, मतलब अगर जिसको डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो टिश्यूज होता क्या है। टिश्यूज मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम एक्शन कॉल्ड टिश्यूज। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स को, सेम टाइप ऑफ फंक्शंस को जब परफॉर्म करेंगे तो सारे मिला के जो है टिश्यूज बना लेंगे। और बॉडी में कई तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज पाया जाता है, स्केलेटन टिश्यूज, फिर से कार्डियक मसल्स, नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, ऐसे कई तरह के टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिला के हमारे बॉडी को पूरा जो है मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारा जो हार्ट है, कार्डियक मसल्स, यहाँ का जो ये टिश्यूज है ये अलग अपना काम करेगा, इसका 24 आवर जो है इसका काम चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। वैसे हमारे स्किन है, स्किन का टिश्यूज अलग है, तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के अलग अलग बॉडी में जगह पे टिश्यूज जो है ये मिलके पूरा एक बॉडी जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। हाय, मेरा नाम है मारिया फ्रेंचोइस क्षवियर बिचत, मुझे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। अब ये टिश्यूज वर्ड वॉज कॉइंड बाई बैचेट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, इन 1792। जो टिश्यू वर्ड है ये आखिर मतलब ये वर्ड जो है कौन इसको लाया था, इसको वर्ड लाए थे बैचेट, ये इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने 1792 में इस वर्ड को कॉइंड किया था, मतलब इसका खोज किया था। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की पढ़ाई को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हिस्टोलॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हिस्टोज, हिस्टोज मतलब होता है टिश्यूज, और लॉजी मतलब स्टडी। जैसे कि यहाँ पर साइटोलॉजी पिछले चैप्टर में था, वहाँ पर साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी, सेल का स्टडी, वैसे ही यहाँ पर हिस्टोलॉजी है, हिस्टोज मीन्स टिश्यूज और लॉजी मीन्स स्टडी, तो टिश्यूज का स्टडी। हेलो, मेरा नाम है मार्सेलो मल्फिगी, मुझे फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। अब यहाँ पर है मार्सेलो मल्फिगी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। अब इसके पहले जो बैचेट थे वो फादर थे, लेकिन ये जो मार्सेलो मल्फिगी ये है, ये फाउंडर है, हिस्टोलॉजी को इन्होंने खोजा था। माय नेम इज कर्वल मायर, मैंने हिस्टोलॉजी शब्द का आविष्कार किया था। टर्म हिस्टोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई मेयर, जो ये टर्म हिस्टोलॉजी है ये मेयर द्वारा लाया गया है इन 1819 में, 1819 में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बनते हैं। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है दोनों का अलग अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या फ़र्क है जिसके वजह से उनके टिश्यूज जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल जो है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना, प्लांट को ही ये खा ले रहा है। तो यही जो मेन डिफरेंस देखेंगे, आखिर जो ये प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज, आखिर ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्यों दोनों अलग अलग हैं। प्लांट टिश्यूज, सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज हैव सेल वॉल, जो प्लांट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनमें जो होता है सेल वॉल होता है। आखिर ऐसा क्यों, उनमें सेल वॉल इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को जो है एक जगह खड़ा रहना रहता है, स्टेशनरी, वो इधर उधर कहीं मूव नहीं करता है, जिसके वजह से उसके जो सेल्स होते हैं वो उनमें सेल वॉल रहता है, जिसकी वजह से वो हार्ड और रिजिड हो जाता है। टिश्यूज रहेंगे वो सपोर्टिव हो जाएंगे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जबकि एनिमल टिश्यूज में ऐसा नहीं है। एनिमल टिश्यूज, एनिमल्स जो रहते हैं वो मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, जबकि प्लांट जो है वो एक ही जगह खड़ा रहता है, उसको हर तरह का वेदर, हर तरह का क्लाइमेट जो है फेस करना पड़ता है। और एनिमल्स ऐसा नहीं है, अगर जो बारिश हो रहा है तो एनिमल्स वहाँ, एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स या तो और भी जानवर है, वो सारे लोग वहाँ से हट जाएंगे, तो वो एक जगह खड़े नहीं रहते, मूव करते रहते। दूसरा पॉइंट प्लांट टिश्यूज का, ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, जो प्लांट टिश्यूज का जो ग्रोथ होता है वो बस टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में होता रहता है। आप लोग देखेंगे पेड़ जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब सर्टेन हाइट तक वो पहुंच जाता है उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ होता है लेकिन कुछ कुछ एरियाज पे, जैसे टिप ऑफ स्टेम्स।
आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है एपिकल मेरिस्टेम जो सबसे ऊपर, वहाँ पर पत्ते नए नए निकलेंगे और वो पेड़ धीरे धीरे जो है हल्का हल्का बढ़ेगा। और एनिमल टिश्यू ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी, जबकि हमारा जो एनिमल्स हैं उनमें जो एनिमल टिश्यूज का जो ग्रोथ होता है एक बराबर से पूरे बॉडी में होता रहता है, जबकि प्लांट्स में हम लोगों ने देखा है ऐसा नहीं होता, क्योंकि बस टिप ऑफ स्टेम और बस टिप ऑफ रूट में होता रहता है। तीसरा पॉइंट है दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड मेरिस्मेटिक। जो प्लांट टिश्यूज हैं बस वो दो ही प्रकार के होते हैं, परमानेंट और मेरिस्मेटिक। एनिमल टिश्यूज दे आर ऑफ फोर टाइप्स, मसल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज, जबकि प्लांट टिश्यूज में बस दो ही प्रकार के। प्लांट टिश्यूज का फोर्थ पॉइंट रिक्वायर लेस एनर्जी एंड मेंटेनेंस एज प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर मूवमेंट्स। प्लांट टिश्यूज में जो प्लांट्स होते हैं उनको जो लेस एनर्जी की ज़रूरत रहती है और मेंटेनेंस भी कम उसमें ज़रूरत रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते हैं। जबकि एनिमल टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज को जो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा उनको चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी जो है मूव करता रहता है, तो जब कोई भी चीज़ मूव करेगा तो उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, जबकि जो स्टेशनरी रहेगा उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था कुछ डिफरेंसेस, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एनिमल टिश्यूज में अलग अलग वहाँ पर मेन डिफरेंसेस देख लिए हैं, अब यहाँ पर देखेंगे आखिर प्लांट टिश्यूज होता क्या है, उसके पार्ट्स वाइज पूरा जो है पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। प्लांट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट टिश्यूज जो हैं दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, पहला मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरा परमानेंट टिश्यूज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये अपना सेल डिवीजन जो है करते रहते हैं, जबकि परमानेंट, नाम से ही होता है परमानेंट, इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये जो है अपना जो सेल डिवीजन है ये नहीं करते हैं, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यूज करता रहता है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज के ये तीन पार्ट हैं, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फिर यहाँ परमानेंट टिश्यूज के यहाँ दो पार्ट्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल है सिंगल टाइप ऑफ सेल्स वहाँ रहते हैं सिंपल में, और जबकि कॉम्प्लेक्स में मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल से ही नाम समझ में आता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स यानी कि कई तरह के सेल्स मिलके वहाँ पर काम करते हैं। सिंपल में यहाँ पर तीन प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। इन अगर जो नाम ना याद हो रहा हो तो यहाँ पर एक ट्रिक है, PCS, P फॉर पैरेन्काइमा, C फॉर कोलेन्काइमा, S फॉर स्केलेन्काइमा, इससे जो है ये कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर स्केलेन्काइमा के भी दो पार्ट्स हैं, फाइबर्स और स्केलेट, इसको जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो में, अभी नहीं। कॉम्प्लेक्स के फिर यहाँ दो पार्ट हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि ये जाइलम जो है वाटर को जो है कन्वर्ट करके ले जाता है रूट के थ्रू, रूट से होते हुए, और फिर फ्लोएम जो है वो जो प्रिपेयर्ड फूड रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द प्लांट्स पार्ट्स यूज़ का। अब यहाँ पर हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होता क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज है, इसको ग्रोथ टिश्यूज भी बोला जाता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। जो ये सेल्स होते हैं मेरिस्टेम से, ये हमेशा जो है डिवाइड होते रहते हैं, और ये इसमें डिवाइड करने से होता क्या है, ये लेंथ और गर्थ प्लांट का जो है इंक्रीज करते रहते हैं, इससे जो है प्लांट जो है काफ़ी मजबूत भी बन जाता है। जैसे कि गर्थ होता क्या है, गर्थ होता है इसका चौड़ाई, डायमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लैटरल मेरिस्टेम है यही इसका गर्थ है, ये जो है होता है। आप प्लांट को देखेंगे, जब प्लांट छोटा रहता है तो उसका जो नीचे वाला जो स्टेम रहता है काफ़ी पतला नाजुक सा रहता है, लेकिन पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है वो काफ़ी हार्ड और मोटा हो जाता है, जिसके वजह से प्लांट को जो है सपोर्ट मिलता है। तो ये हो चुका। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतलब एक ही प्रकार के हैं, कुछ अलग अलग नहीं, सारा सेम है। और हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल है वो बहुत थिन होता है, पतला होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज काफ़ी हार्ड होता है, जो कि ग्रास व्रास में, प्लांट्स में अधिकतर पाया जाता है। और ये सेल वॉल इसलिए है क्योंकि ये प्लांट टिश्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्लांट टिश्यूज में जो प्लांट के सेल होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल हार्ड होता है, वो रिजिड उसको देता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इट्स सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस।
जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी जो है क्लोजली पैक्ड रहते हैं, कम्पैक्टली, यानी कि एक दूसरे का एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं, कोई भी स्पेस नहीं रहता है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ इमेज है, इमेज में देख रहे हैं कि पूरा जो है एक ख़त्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है, कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है, इट्स सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। इसका जो सेल है वो डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म जो है काफ़ी भर के रहते हैं, एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पर जो है बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, सिंगल ही होता है, और इस सेल में जो है न्यूक्लियस, उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है होगा ही। चौथा पॉइंट है, द मेरिस्मेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या बहुत कम होते हैं या तो ना ही होते हैं। अब यहाँ पर अगर जो इसको समझ में ना आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर बोला है सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट पे, जब न्यूक्लियस बड़ा होगा तो फूड वैक्यूल का जगह ही कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ये बोल सकते हैं फ्यू वैक्यूल्स या नो वैक्यूल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं इनको ग्रोथ टिश्यूज भी बोला जाता है, और ये जो है ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स में जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और वो रीजन्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। ग्रोइंग रीजन्स लाइक एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इसके पहले जो हम लोग वहाँ पढ़े थे मेरिस्मेटिक टिश्यूज परमानेंट, फिर मेरिस्मेटिक के तीन पार्ट थे, वो वही तीनों पार्ट हैं। तो मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो जो है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पाया जाता है, और ये रूट का हिस्सा सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पाया जाता है, यानी कि ये जो है टिप, यानी सबसे ऊपर स्टेम का और रूट का। स्टेम यानी ये जो तो पेड़ हो गया यहाँ पर दिख रहा है, एपिकल मेरिस्टेम शूट यहाँ पर, और ये जो एपिकल मेरिस्टेम रूट में यहाँ पर ये पाए सबसे नीचे होता है, और इसके वजह से जो ग्रोथ होता है एपिकल मेरिस्टेम उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ, इसके वजह से जो डायमीटर होता है, गर्थ, और ये दोनों का जो है वो बढ़ता है। डायमीटर मतलब ये हो गया पूरा वो सर्कल होता है, सर्कल का जो लॉन्गेस्ट लाइन वो डायमीटर, तो इसका गर्थ, इसके पहले बताया चौड़ाई जो बढ़ता रहेगा, स्टेम का एरिया जो है फिगर में यहाँ पर दिख रहा है आप लोग। जो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रोथ होता है उसको सेकेंडरी ग्रोथ भी बोला जाता है। अब तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स। इंटरकैलरी के मेरिस्टेम की वजह से जो लेंथ है लीव का, जो लेंथ और इंटर नोड, यानी कि नोड के बीच का जो जगह है, इन दोनों में जो है वो इंक्रीज होता है, यानी दोनों जो है बढ़ते हैं, लीव्स का भी लेंथ बढ़ता है और इंटर नोड्स का भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें जो है उसका पूरा वो काफ़ी लंबा है। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, फिर सिंपल में PCS जो कि बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, पूरा डिटेल है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास उसको जरूर शेयर करें, वो भी इसको पढ़ सके और इसको भी सीख सके।